हेलो फ्रेंड, केम छो? तो आज हम लोग बनाने वाले बॉम्बे स्टाइल टोस्ट सैंडविच। तो उसके लिए और उसी के साथ हम लोग एक बनाने वाले चटकेदार चटनी। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो अभी चटनी की रेसिपी देखें। समर स्पेशल है, थोड़ा मैंने उसमें ट्विस्ट दिया है, तो आप रेसिपी को पूरा देखना। तो यहाँ पे मिक्सर जार में धनिया, अदरक, लहसुन, तीखे के लिए हरी मिर्च और हम लोग नींबू या दही की जगह हम लोग डालने वाले हैं आम, कच्चा आम डालना है। और थोड़ी सी चीनी डालेंगे, बर्फ डाल के उसको पीस लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे तो हमारी टेस्टी ग्रीन ग्रीन चटनी रेडी है। अभी हम लोग बना लेते हैं मसाला। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन गर्म होगा तो उसमें हम लोग जीरा डालेंगे, उसके बाद हींग और अदरक और मिर्ची की पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से भूनना है। और उसी के साथ हम लोग को डालना है जो हरा धनिया आता है, उसके डंठल जो रहते हैं ना वो डालना है, उसको भी अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम लोग सारा मसाला करेंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। साथ में थोड़ा डालेंगे सैंडविच मसाला, अगर सैंडविच मसाला ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। ये जो कोथमीर के डंठल है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और जो ये मसाला है थोड़ा चटपटा और तीखा रहता है, तो मैंने मिर्ची थोड़ा ज़्यादा ही डाली। उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे उबले हुए आलू और उसको अच्छे से मैश करेंगे और उसको एकदम अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक वो नीचे से कढ़ाई में चिपकने ना लगे तब तक अच्छे से उसको कुक करना है। हरा धनिया डालेंगे और गार्निश करेंगे। तो हमारे सैंडविच का ठेला लग के रेडी है। तो चलो अभी असेंबल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। ब्रेड पे हम लोग बटर लगाएंगे, हमारी यम्मी मसालेदार चटनी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग उसमें जो हम लोग ने आलू का मसाला रेडी किया था वो डालेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ककड़ी ली है, उसके ऊपर हम लोग डालेंगे सैंडविच मसाला या फिर चाट मसाला। टोमेटो डालेंगे, उसके ऊपर भी चाट मसाला डालेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च और बीट रूट भी ले सकते हो, हमारे घर पे उसको पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है। ऊपर से थोड़ा बटर लगाएंगे और ये जो स्पेशल टोस्टर आता है सैंडविच के लिए वो वाला मैंने यूज़ किया। आप कढ़ाई में भी कर सकते हो और ग्रिल में भी कर सकते हो, दोनों साइड बटर लगा के अच्छे से उसको क्रिस्पी होने तक उसको टोस्ट करना है। और ये टोस्टर में एकदम बाहर जैसा ही टेस्ट आता है। ऊपर से बटर लगाएंगे, हरी चटनी लगाएंगे, तो हमारी यहाँ पे बॉम्बे स्टाइल टोस्ट सैंडविच रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। इन्जॉय।